विदिशा जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रघुवीर चरण शर्मा, जो अगस्त क्रांति और भारत छोड़ो आंदोलन की मुहिम में शामिल थे, उनकी याद में सम्मानित करने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें दिल्ली आमंत्रित किया था। अस्वस्थ होने के कारण वो दिल्ली नहीं जा सके, ऐसे में महामहिम राष्ट्रपति के संदेश को लेकर कलेक्टर पंकज जैन उनके निवास पर पहुंचे, उन्हें पुष्प देने के साथ अंगवस्त्र भेंट किए और महामहिम के संदेश को भी उन्हें सौंपा। इस मौके पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने वर्तमान परिस्थितियों पर बात करते हुए सुधार की बात कही, साथ ही उन्होंने कोरोना को लेकर भी अपनी राय रखी। स्वदेशी का अभियान ठीक है, लेकिन स्वदेशी से कोई ऐसी बड़ी सफलता मिलने वाली नहीं है, लेकिन अच्छा है। अरे भाई, जितना भी लाभ मिल सके लोगों को, जितना भी लाभ मिल सके उतना अच्छा है। स्वदेशी चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है या उनका प्रचार प्रसार किया जा रहा है, ये एक अच्छी बात है, लेकिन उससे कोई बड़े काम होने वाले नहीं है। लेकिन बेरोजगारी की थोड़ी समस्या है, रुपये के चाराने तो हल हो ही जाएगी अगर मानी जाए बात को। भारत शासन की ओर से हमारे माननीय वयोवृद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री शर्मा जी का आज अभिनंदन किया गया है, और मुझे बहुत सौभाग्य मिला कि आज मुझे अभिनंदन करने का मौका मिला है। और श्री शर्मा जी इस भारत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तो हैं ही, पर उसके साथ साथ इन्होंने जो समाज सेवा का विदिशा में अनुकरणीय काम किया है, उसके लिए पूरा विदिशा और पूरा प्रदेश एवं देश इनके लिए कृतज्ञ है।